वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम कच्ची कैरी का शरबत बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके छिलके इस तरह से रिमूव करेंगे। ये शरबत की स्पेशलिटी ये है कि आप इसको स्टोर कर सकते हो 6 से 8 महीनों तक, और जब भी आपको बनाना हो तो इंस्टेंट आप 2 मिनट में बना सकते हो। और फिर इसमें से गुठली निकाल कर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। ये हम रिमूव कर देंगे। साथ ही में शरबत बनाने के लिए हम ये खड़ी साकर का यूज करेंगे। इस तरह से बड़े बड़े स्टोन के फॉर्म में साकर होती है, शुगर होती है, जो नॉर्मल शुगर से केमिकल फ्री होती है, तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप इसी तरह से खड़ी साकर यूज करें, जो बिना केमिकल की होती है और बहुत ही मीठी होती है। सो कटे हुए कच्चे आम और शक्कर, खड़ी शक्कर दोनों मैंने एक ही बर्तन में, एक ही साइज के बर्तन में लिया है, तो दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम है। अब हम एक मिक्सचर जार में शक्कर और आम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे। इवन आप बड़े मिक्सचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पेस्ट तैयार है। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे ग्राइंड करने के लिए। इसमें सिर्फ शक्कर और कच्चे आम का ही पल्प है, इसीलिए ग्राइंड करने के लिए हमने कच्चे आम और शक्कर को मिक्स कर दिया है। अगर आपको इस पल्प का कच्चापन ज्यादा लगता है तो आप एडिशनली शुगर ऐड कर सकते हो, या तो फिर खड़ी साकर भी ऐड कर सकते हो। ग्राइंड करने के बाद इस तरह से छलनी से पेस्ट को हम एकदम अच्छे से छन करना बहुत ही जरूरी है। इसके जो आम के टुकड़े हैं वो वापस हम नेक्स्ट राउंड में यूज करेंगे ग्राइंड करने के लिए। इसी तरह से आपको सारा पल्प निकालना है। शक्कर और कच्चे आम दोनों को मिक्स करके आपको मिक्सचर में ग्राइंड करना है और इसके बाद इसको छन कर देना है। वापस हम ये टुकड़े वापस मिक्सी में डालेंगे। तो ये जो बाकी बचा हुआ पल्प है उसको हम मिक्सी में डालेंगे। साथ ही में बाउल से भी हम थोड़ी शक्कर और कच्चे आम वापस हम ग्राइंड करने के लिए ऐड करेंगे। तो सारा पल्प मैंने इस तरह से निकाल दिया है, सिर्फ शक्कर और कच्चा आम ही है, और इसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। इवन एक बूंद पानी का भी इसमें नहीं है। आप ये पल्प चेक कर सकते हो। अगर ये टेस्ट आपको परफेक्ट लगे तो इसमें आप कुछ भी ऐड करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आम जो है कच्ची आम वो बहुत ही खट्टी हो एक्सट्रीमली, तो आप 1-2 स्पून ज्यादा शक्कर की ऐड कर सकते हो। तो अब हम इस तरह से इसमें स्टोरेज करेंगे। तो ये जो पल्प है उसको हमने बिना गैस जलाए, बिना पानी ऐड किए, सिर्फ मिक्सी में ग्राइंड करके और इस तरह से छन करके ही इसको हमने इसके अंदर फील किया है। तो ये पल्प को मैंने फ्रीजर में रखा है, जिस टेम्परेचर पे हम आइस जमाते हैं और भी कुछ स्टोरेज करने के लिए रखते हैं, तो नॉर्मल फ्रीजर का टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे रखा है। और एक बात, ये जब भी फ्रीज होगा तो ये पल्प के फॉर्म में ही होगा, इसके आइस क्यूब्स या ऐसा कुछ भी नहीं बन सकता। ये पल्प के फॉर्म में ही होगा, और जब भी आपको निकालना हो तो आपको स्पून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्रीजर में ये आप 8 से 9 महीने तक स्टोर कर सकते हो। सिर्फ ये जो कंटेनर है वो थोड़ा एयरटाइट होना चाहिए। इवन आप प्लास्टिक के भी कंटेनर यूज कर सकते हो एयरटाइट। जब भी आपको शरबत बनाना हो तो सिंपली हम तो 2 स्पून आपको पल्प ऐड करना है। फ्रीजर में ये इसी फॉर्म में होगा, इसके आइस क्यूब्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे।
आप तुरंत ही निकाल के इसको यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बड़ा ग्लास है इसीलिए 3 स्पून लिया है पल्प। इसके बाद हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, थोड़ा हम ऐड करेंगे संचर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके घर में ब्लैक सॉल्ट अवेलेबल ना हो तो आप सिंपली नॉर्मल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर आपको करूँगी कि आप ब्लैक सॉल्ट ही प्रीफर करें। तो यही मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ब्लैक सॉल्ट ही आप इसमें डालें तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। बस एक मिनट भी नहीं, सिर्फ 20 सेकंड आपको इस तरह से इसको मिक्स करना है और ये आपका शरबत रेडी। तो अगर 12 लोगों के लिए आपको बनाना हो तो एक बड़े से बर्तन में इतना आपको पल्प निकालना होगा और उसमें पानी, ब्लैक सॉल्ट और जीरा ऐड करके आप तुरंत ही सर्व कर सकते हो सिर्फ 1-2 मिनट में बना के। तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ईजी है, गैस नहीं जलाना है, पानी ऐड नहीं करना है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत ही इजी रेसिपी है और स्पेशली समर सीजन के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।